हेलो फ्रेंड, अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 7 दिसंबर 2019 है। आज जो है IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें मैं ये एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर आया हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे IBPS क्लर्क। ये फर्स्ट सिप का एग्ज़ाम एनालिसिस है। आइए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं हमने रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपका श्लोक के आते हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं श्लोक के रीजनिंग के। इसमें फ्यू वाले क्वेश्चन आए गए थे, ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। एक एदर और वाला क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग के सिंपल कोडिंग डिकोडिंग आई थी, सिंपल कोडिंग डिकोडिंग आई थी, ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं गया था। अल्फा सीरीज जो आती है उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये पजल पूछी गई थी, एक डे वेज पजल थी, मंथ वेज पजल थी, और अनसंटे मेमोर ऑफ जो लीनियर पजल होती है ना, लीनियर लाइन वाली, वो पूछी गई थी इसमें। ये थोड़ी मॉडरेट लेवल की पजल थी, बाकी ये रीजनिंग का एनालिसिस है सिंपल। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में वो सिंपल नहीं है, जैसे कि पहले एक पैटर्न था उस पैटर्न में ये पूछा गया है। अगर रोंग नंबर सीरीज़ की बात करें तो रोंग नंबर सीरीज थी, ज़्यादा इसमें रोंग नंबर सीरीज में ज़्यादा कुछ नहीं है। रोंग नंबर सीरीज दो तीन टाइप की रोंग नंबर सीरीज होती है। डिफरेंस निकालने के लिए कहेगा, या उसका मल्टीपल हो रहा होगा, या उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा होगा। मैं इसकी नंबर नंबर सीरीज़ की एक वीडियो में डाल दूंगा, उसमें उसमें कैसे कैसे पूछे जाते हैं नंबर सीरीज। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ज़्यादा ठीक था, ये ठीक लेवल का था, ये इजी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपलीफिकेशन भी इजी था, ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपकी बार ये जो जो बार ग्राफ है, जो ये आपका DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें जो एक ही DI पूछा गया था बार ग्राफ के फॉर्म में। और वर्ल्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन वर्ल्ड प्रॉब्लम के पूछे गए थे। अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज की बात करूँ, तो नंबर सीरीज में आपको, अगर जब नंबर सीरीज आप करते हो तो आप उसमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस नहीं हो रहा तो उसमें मल्टीपल देखो उसका क्या है, मल्टीपल फॉर्म में हो रही है। अगर सीरीज एकदम से लंबी फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, एकदम ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का होगा, या छोटे छोटे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है तो वही डिफरेंस होता है उसमें, या स्क्वायर रूट हो सकता है, या क्यूब रूट हो सकता है, या 0.5 से करते हैं हम, 0.5 में ऐड करा, या 1 से ऐड करा, 1 में ऐड करा, फिर 1.5 में ऐड करा, तो इस टाइप से क्वांट में होता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं, जो पहला पैटर्न था उस पैटर्न में आया है। अगर मैं एरर की बात करूँ तो अब ये स्पेलिंग एरर आई थी इसमें, 6 क्वेश्चन आए थे। RCRT रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन में 2 वोकैब पूछी गई थी इसमें, 1 फिलर पूछे गए थे, और 5 क्वेश्चन ऐसे सिंपल वो वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करूँ क्लोज टेस्ट की, क्लोज टेस्ट में आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिलर में सिंगल फिलर आए थे इसमें, 3 से 4 क्वेश्चन सिंगल फिलर में पूछे गए थे। और ये वर्ड स्वैप, वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन आए थे, वर्ड स्वैप के ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करूँ तो ये ओवरऑल पेपर जो है, ये IBPS क्लर्क 2019 का फर्स्ट सिप का जो ओवरऑल पेपर था, ओवरऑल पेपर मैं इजी टू मॉडरेट कहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ, जैसे कि इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है जैसे नंबर सीरीज में वगैरह में, तो ये जो मैंने आपको देखा है, ये ओवरऑल एनालाइज करा है मैंने खुद, तो इसमें ये नंबर सीरीज में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, मगर ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस करके गए हो तो आप नंबर सीरीज कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल पेपर फिर भी ठीक था ये। बाकी मैं सेकंड शिफ्ट की जो वीडियो होगी वो भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।